गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह सुबह आज मैं किचन में आ गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज सोचा कि थोड़ा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट किया जाए, तो इसीलिए मैंने बनाई है यहाँ पे ओट्स एंड बेसन की चीला। थोड़ा बहुत सब्ज़ी दे के मैंने इसको बनाई है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मैं नेक्स्ट या फिर किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी। बहुत ही इजी तरीके से हाफ एन आवर में बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई भी चीज़ के साथ आप ये खा सकते हो, हरी चटनी या फिर टोमेटो सॉस। और हम लोगों ने ये लिया था दही के साथ, थोड़ा सा मैंने उसमें मसाला ऐड किया था, तो ये खाने में भी अच्छा लगता है। एंड सुबह सुबह थोड़ा बहुत जो भी वेजिटेबल्स हम लोगों को पसंद है वो भी पेट के अंदर चला जाता है। एंड टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, तो ये हम लोग बना ही सकते हैं एंड खा ही सकते हैं। तो मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बना लिया है चार चीला, और हम लोगों ने दही के साथ इसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और आज कुकिंग करने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए कल रात को मैंने भिगो के रख दिया था चने दाल। और ये अभी फूल गया है और अभी मैं इसको थोड़ा सा पीस लूँगी ग्राइंडर में। और मैंने थोड़ा सा साइड में आलू भी बॉईल कर लिया है। ये रेसिपी मैं शेयर करूँगी, ये पहली बार बना रही हूँ और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। पकोड़ा करी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश। बहुत सारे दाल की पकोड़ा करी मुझे अच्छा लगता है और ये भेज तरीके से बनता है विदाउट अनियन एंड गार्लिक। और ये बहुत ही वर्सेटाइल एक डिश है, मुझे लगता है हर एक इंसान अपनी तरीके से बना सकते हैं। मम्मी इसमें बहुत कुछ ऐड करती है और मुझे ऐसे आज बनाना था और इसीलिए मैं ऐसे आज बना रही हूँ जो आप लोगों साथ शेयर कर रही हूँ। तो बॉयल्ड पोटैटो को मैंने हाथों से मैश करके डाल दिया है और अभी थोड़ा सा मसाले यूज़ करेंगे। पहले दिया अदरक का पेस्ट, फिर दिया ज़ीरा पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पे दिया है गरम मसाला एंड नमक स्वाद अनुसार। फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक आलू का छोटा छोटा जो पीस है ना वो हाथ में ना आ जाता है। मतलब वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए वरना खाने के टाइम में मुंह में आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अगर वेजीज देना चाहते हो दे सकते हो, बट ये करी बनेगा ना तो इसीलिए इसमें वेजीज हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं ऐड कर सकती थी बट मैंने सोचा कि नहीं, इसको सिंपल तरीके से ही बनाया जाए आज और देखते हैं खाने में कैसा लगता है। पकौड़ा तलने के लिए मैं रिफाइंड ऑयल आज यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने तीन बैच में पूरा पकौड़ा जो है वो तल लिया है। एक बैच पकौड़ा तलना मेरा हो गया है और सेकंड बैच बिठा के मैं यहाँ पे मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो मसाले में जाएगा बहुत ही नॉर्मल जो इंडियन किचन में रहता है वही सब मसाला, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती हूँ। और यहाँ पे पहले हम लोगों को थोड़ा सा पेस्ट चाहिए, इसके लिए मैंने लिया है हाफ टमाटर। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा और अदरक का पेस्ट हमेशा हमारे घर में रहता है, बट जब भी मैं पेस्ट करती हूँ कुछ भी फिर से अदरक मैं पेस्ट कर लेती हूँ और मुझे लगता है ऐसे अच्छा लगता है। उसके बाद जो इंडियन मसाले हैं जैसे कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी और नमक भी मैंने यूज़ किया था, इसमें दिखाना मैं भूल गई।
और उसके बाद पानी देके इसको मिला लेंगे और इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे। तो तब तक मेरा 3 बैच जो पकोड़ा है वो तल के तैयार है। और साथ ही साथ कुछ भी मसाला मैं नहीं छोड़ती हूँ, निचोड़ निचोड़ के डालती हूँ, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और सारे चीज़ जो है ना समेट रही हूँ, क्योंकि जब भी वीडियो करते हैं थोड़ा सा फैल जाता है, एंड एट द सेम टाइम मैं समेटती रहती हूँ, तो एक साथ सारा काम जो है ना होता रहता है। तो 3-4 बॉइल्ड पोटैटो मैंने पकोड़ा में यूज़ किया है, एंड बाकी पोटैटो को मैंने ऐसे कट कर दिया है। कड़ी में हम लोगों को यूज़ करनी है। तो पहले मैंने दिया है सरसों का ऑयल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बे लीव्स एंड सूखी लाल मिर्च ऐड किया है तड़के के लिए। एंड मेरे पास आज हरी इलायची ज़्यादा नहीं था, एक ही था, उसको दे दिया। एंड सिनेमन मैंने दे दिया है क्रश्ड करके। उसके बाद ज़ीरा दे दिया है और उसको तड़का लगाया है। और हमारे पास जो बॉइल्ड किया हुआ पटेटो था उसको हम लोग दे देंगे। एंड इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक एंड हल्दी एंड थोड़ा सा चीनी दे के इसको अच्छे से लाल लाल करके फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत फ्राई होने के बाद जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था ना, उसको हम लोगों को यहाँ पे डालना है और इसको अच्छे से भूनना है। और ये भूनने के बाद जो खुशबू निकल के आती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी आप लोग देख सकते हो तो कि मैंने इसको अच्छे से भून लिया, और इसको अभी और नहीं भूनना है। आप यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हो कि नमक वगैरह सब कुछ ठीक है या नहीं। तो उसके बाद मैंने मसाले के पानी जो है वो दे दिया है, और एक्स्ट्रा पानी भी दे दिया है। पकोड़े के कड़ी में ऑलवेज पानी ज़्यादा डालना चाहिए। मैं जब पहले पहले बनाती थी थोड़ा बहुत कम करती थी, फिर देखती थी कि बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि पकोड़ा जो है ना वो पानी चूस लेता है इसीलिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शाही गरम मसाला ऐड करेंगे। हम लोगों ने गरम मसाला ऐड किया था पहले भी, अभी थोड़ा सा ऐड करना है। और उसके बाद उबाल आने के बाद यहाँ पे हम लोग पकोड़ा दे देंगे, बट पकोड़ा देने के बाद ज़्यादा नहीं दे, मतलब ज़्यादा देर तक इसको चलाना नहीं है। और उसके बाद थोड़ा बहुत घी आप यूज़ कर सकते हो, मैं घी पसंद करती हूँ इसलिए मैंने घी दे दिया है। अगर आप घी नहीं खाते हो तो आप यहाँ पे धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरा पकोड़ा करी इज़ डन, और देखने में भी यम्मी लग रहा है और खाने में भी अच्छा बना था। तो मैं अभी आ गई हूँ आप लोगों के सामने। एक रेसिपी मैंने आज शेयर किया है, वो एक्चुअली मेरे मम्मी की रेसिपी है, जो आज मैंने थोड़ा सा मेरे स्टाइल में उसको बनाया है, एंड सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जो चीज़ शायद ही मैंने कभी डिस्क्लोज किया है। डे रूटीन है, नाइट टाइम रूटीन है, मेरे चैनल में ऑलरेडी 2-3 बार मैंने शेयर किया है, बट बॉडी के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ वो एज सच मैं नहीं दिखाती हूँ कभी भी। तो सोचा कि आज वो डिस्क्लोज किया जाए। एंड फेस एंड हेयर के साथ साथ बॉडी टेक केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज कुछ मैं मास्क दिखाऊंगी या स्क्रब दिखाऊंगी जो मैं रेगुलर बेसिस में यूज़ करती हूँ। ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, लास्ट 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, तभी जाके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले दिखाती हूँ स्क्रब के लिए। स्क्रब में मैं यूज़ करती हूँ वाव की, ये है उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब। और उपटन की रेंज वाव का एंड ममा अर्थ का मुझे दोनों ही वैरायटी बहुत पसंद है। और ये स्क्रब मेरा 3rd या 4th बॉटल है, मुझे याद भी नहीं है। देखिए ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। इसका खुशबू भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसका फ्रेग्रेंस जो है ना वो आप एक बार यूज़ करने के बाद ऑलमोस्ट 10 to 12 hours आपको ये फ्रेग्रेंस देता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं फेस के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, इसमें लिखा है फेस एंड बॉडी स्क्रब, आप फेस में भी यूज़ कर सकते हो, बट इसमें को मैं फेस में यूज़ नहीं करती हूँ, इसको मैं अपने बॉडी में यूज़ करती हूँ। एंड इसमें ना एक मतलब मॉइस्चराइज वाला एक टेक्स्चर है, जो कि हमारे स्किन को रब करने के बाद भी हार्श नहीं करता है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो ये गया फर्स्ट, एंड ये यूज़ करती हूँ उपटन फेस एंड बॉडी पैक। उपटन की फेस एंड बॉडी पैक ये भी बहुत अच्छा है। ये मैं ज़्यादा अगर आप बोलोगे
फुल बॉडी में मैं पैक यूज़ करती हूँ, नहीं यूज़ करती हूँ, इतना तक यूज़ करती हूँ, फेस में यूज़ करती हूँ, अंडरआर्म में यूज़ करती हूँ एंड हाथों में यूज़ करती हूँ। तो बॉडी पैक मैं सिर्फ इतना यूज़ करती हूँ एंड पैरों में थोड़ा सा नी लेंथ से फुट तक मैं ये यूज़ करती हूँ एंड ये फेस में भी मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये हाफ है बॉटल, ये भी मेरा सेकेंड या थर्ड बॉटल है। इसका खुशबू भी अच्छा है बट ये लगाने के बाद ना थोड़ा सा टिंगलिंग सा सेंसेशन होता है मेरे फेस में, तो ये बॉडी में लगाने से कुछ नहीं होता है। आप जो भी प्रोडक्ट ट्राई करते हो ना, पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लो। नेक्स्ट दिखाती हूँ ऑरिक स्क्रब एंड बॉडी बटर, जो मुझे बहुत पसंद है। शादी के टाइम के बाद से मैं ये यूज़ करती हूँ और ये बहुत पॉपुलर है। बस अभी ना छोटा छोटा बॉटल है ये, और ये बड़ा बॉटल का मैं लिंक जो है दे दूँगी। ये है एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ बॉडी कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। जी हाँ, मैं फुल नेम पढ़ना चाहती थी, कॉफ़ी बॉडी स्क्रब एंड कॉफ़ी बॉडी बटर। ये मेरे पास अभी छोटा छोटा है, बड़ा वाला ख़त्म हो गया है, अभी थोड़ा बहुत ही इसमें है। और ये होल सीज़न मुझे बहुत पसंद है, कॉफ़ी का खुशबू मुझे बहुत पसंद है एंड ये बहुत अच्छे से स्क्रब करता है। इसका मैं जो फेस स्क्रब है ना, वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, रेगुलर बेसिस में यूज़ करती हूँ एंड ये मैं बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ ये कॉम्बो। तो इसका लिंक दे दूँगी, एक बार ये ट्राई करके देखना। ये बॉडी पॉलिशिंग किट, इसमें एक बॉडी पॉलिशिंग किट भी आ जाएगा। अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग चेकआउट करना, जिन लोगों की शादी होने वाली है ना, ये बॉडी पॉलिशिंग किट प्लीज़ ट्राई करो। उसमें एक ऑयल आता है, स्क्रब आता है एंड एक बॉडी बटर आता है एंड एक टूल आता है जिसके हेल्प से आप बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। तो वो बॉडी पॉलिशिंग किट आप ज़रूर ट्राई करना अगर आप वुड बी ब्राइड हो। अगर आप ब्राइड नहीं भी हो, अगर आप करना चाहते हो टेक केयर, तो वो भी कर सकते हो। और ये फेस मास्क के लिए मेरा लास्ट एक दो साल से जो फेवरेट 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 है, टॉप है, वो है मामा अर्थ की उपटन फेस वॉश। इसका रेंज ही मुझे बहुत पसंद है। ये इसका फेस वॉश, उपटन का फेस वॉश मुझे बहुत पसंद है। उपटन डे क्रीम, उपटन डे क्रीम मेरे स्किन में बहुत अच्छे से काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मास्क मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा थर्ड बॉटल है, मुझे पता है, और ये अभी इत्थू सा ही बाकी है। टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है एंड इसका खुशबू जो है ना, बिल्कुल चंदन चंदन जैसा खुशबू है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इंस्टेंट इसमें रिजल्ट नहीं मिलता है बट हफ्ते में दो बार अगर यूज़ करो महीने भर तक, तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। टैन बहुत अच्छे से रिमूव करता है और मेरा टैन का जो प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा रहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टैन हो जाती हूँ। फेवरेट बॉडी स्क्रब, बॉडी बटर, फेस मास्क दिखा दिया, तो बाकी क्या रहता है? जी हाँ, हेयर मास्क। तो हेयर मास्क के लिए अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वाव का एप्पल साइडर विनीगर हेयर मास्क, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छे से मेरे बालों को नरिश करता है एंड यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि दिस इज़ माय फेवरेट वन, बट हाँ, अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अगर चाहो तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं एप्पल साइडर विनीगर हेयर ग्रोथ के लिए एंड डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, और ये सभी मैंने लिया है अमेजन से, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को और कंटिन्यू नहीं करते हैं क्योंकि अभी ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ और आज ये वीडियो आप लोग देख रहे हो। जी हाँ, आज है 4th of August, अभी दोपहर की टाइम है और अभी जाऊंगी मैं नहाने एंड लंच वगैरह करके इसको मैं एडिट करने बैठूंगी और शाम तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए एंड खुद का ध्यान रखिए। बाय बाय।